हरे कृष्णा, वेलकम टू राधा रानीज किचन। तो आज हम बनाएंगे रथ यात्रा स्पेशल भगवान जगन्नाथ जी के लिए खाजा। बहुत सारे भक्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि खाजा कैसे बनाया जाए, तो चलिए बहुत ही इजी वे में और बहुत ही टेस्टी भोगा ऑफरिंग खाजा की बनाते हैं। लेट्स गो फॉर कुकिंग। तो खाजा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे मैदा। इसमें मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदा, 1 कप डाल दिया है, ये आधा कप मैदा और आधा कप मैदा ये और डाला है, टोटल 1.5 कप मैदा हो गया है। और अब इस मैदे में हम डालेंगे देसी घी मोइन के लिए। अब देसी घी मोइन के लिए डालेंगे, देखिए 3 चम्मच डालेंगे, 1.5 कप मैदा है और 3 चम्मच हम मोइन के लिए देसी घी डाल रहे हैं। आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। और अब हम इसको अच्छी तरह से इकट्ठा करेंगे। अब आप सबको पता ही है खाजा जो है उड़ीसा का बहुत ही फेमस महाप्रसाद है। जो भी जगन्नाथ पुरी जाता है वो खाजा महाप्रसाद तो लेकर ही आते हैं। और खाजा जो है भगवान को, जगन्नाथ जी को भोग भी लगता है, रथ यात्रा भी आ रही है, इसीलिए आप सबकी रिक्वेस्ट पे आज हम खाजा बना रहे हैं। तो देखिए हम इसे मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने पर इसमें अभी बाइंडिंग नहीं आई है, थोड़ी बाइंडिंग आई है, पूरी बाइंडिंग नहीं है। तो इसमें अभी हम, ये मेरा मेल्ट किया हुआ देसी घी आप देख सकते हैं, आप मेल्ट किया हुआ लेंगे कि नहीं। तो मैं ये एक, ये दो और डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से फिर हम मिक्स करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें अभी बाइंडिंग आई है कि नहीं आई है। तो देखिए बाइंडिंग आ गई है। तो इसमें अब हम डालेंगे पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डलेगा, थोड़ा थोड़ा पानी डलेगा, हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। इसमें हमें सॉफ्ट आटा चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट आटा इसका बनाएंगे। तो थोड़ा सा पानी हम और डालते हैं और इस आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब जैसे रथ यात्रा है, आप सबको पता है स्नान यात्रा हुई थी पहले। स्नान यात्रा में जो है जगन्नाथ जी बीमार हो गए, फिर वो रेस्ट के लिए 15 दिन से हैं। मंदिर मार्जन होगा, मंदिर मार्जन के बाद नयन उत्सव, भगवान जी के दर्शन, जगन्नाथ जी के दर्शन मिलेंगे 15 दिन के बाद, और फिर रथ यात्रा स्टार्ट होती है। ये रथ यात्रा जगन्नाथपुरी से निकलती है और गुंडीचा तक जाती है, और बाकी सब इस्कॉन मंदिरों में भी इस दिन रथ यात्रा निकाली जाती है। आप सब रथ यात्रा में भी पार्टिसिपेट ले सकते हैं, घर में भी भगवान को, जगन्नाथ जी को 56 भोग बना सकते हैं, उसमें जो है ये खाजा भी बनाया जा सकता है। खाजा भगवान जी को बहुत पसंद है। तो हम देखिए इस तरह से इस आटे को गूंद रहे हैं और ये सॉफ्ट होना चाहिए। अभी आटा हमारा अच्छी तरह से इकट्ठा हो गया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। जब तक खाजा का डो रेस्ट कर रहा है हम तब तक चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने लिया है 1 कप देसी खांड, आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं, मैंने खांड ली है। और इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी, आधा कप पानी डाल के अब इसकी हम एक तार की चाशनी तैयार करेंगे। तो आप देखिए ये हमारी चाशनी पक रही है, हमें जो है एक तार की चाशनी बनानी है। अभी हम चेकिंग करेंगे कि एक तार की चाशनी है कि नहीं। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। अभी देखिए तार नहीं दिख रही है ना, थोड़ा गाढ़ा हुआ है, इसको हम और थोड़ा सा पकने देंगे। तो हमने 3 से 4 मिनट जो है चाशनी को पका लिया है। अभी एक तार की चाशनी तैयार है, मैं गैस बंद कर देती हूँ। 15 से 20 मिनट हमें इस डो को रखे हुए हो गया है। तो आप देखिए कितना सॉफ्ट है। अब हम इसे आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसके हम पहले छोटे छोटे पोर्शन बना लेंगे इस तरह से। हमने उस डो से 10 इक्वल पोर्शंस कर लिए हैं। अब हम इसे रोटियां बेलेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल हल्के हाथ से सॉफ्टली, हम वैसे ही बेलते जाएंगे। हम थोड़ा सा मैदा डाल लेंगे पहले नीचे और फिर हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। देखिए कितने आराम से बेलता जा रहा है।
देखिए बिल्कुल पतली लेयर है, बहुत ही पतली लेयर है। इसी तरह से हम 5 रोटियों को बेलकर पहले तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने 5 रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से अब यहाँ देखेंगे कि किस तरह से खाजा के लिए हमें तैयार करनी है। हम पहले एक सेंटर में रख रहे हैं, इसके ऊपर हम लगाएंगे, मैंने पिघला हुआ देसी घी लिया है। देसी घी जो है सारे कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से लगा देंगे। अगर आप रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं तो आप रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं, एक ही तरह का ऑयल यूज़ करेंगे, चाहे देसी और चाहे रिफाइंड। तो आप ये देखिए सारे कॉर्नर्स पे भी अच्छी तरह से ये लग गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदे को स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मैदे को ऐसे कर देंगे, थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा और स्प्रिंकल करूंगी, ये इसलिए कि ये लेयर्स जो हैं आपस में चिपके ना। अब हम दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख देंगे, जो हमने अभी डो से बनाई थी ना, उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर फिर से उसी तरह से ऑयल लगाएंगे, मैं घी लगा रही हूँ, हल्का हल्का सा ऐसे लगाएंगे। फिर उसके ऊपर हम फिर मैदा स्प्रिंकल कर देंगे और इसके ऊपर हम नेक्स्ट चपाती रख देंगे। अब हम सेम प्रोसीजर ऐसे ही रिपीट करेंगे। तो आप देखेंगे हमने ये 5 रोटियां एक के ऊपर एक इस तरह से सेट कर ली हैं। अब क्या करना है, अब इस तरह से लेंगे और बिल्कुल छोटा छोटा और टाइटली टाइटली इसको रोल करेंगे, लूज नहीं रहने देंगे, इसको साथ साथ बिल्कुल गोल गोल घुमाते जाएंगे। बहुत ही ध्यान से इसको इस तरह से गोल गोल करते चलेंगे। अब जो ये लास्ट की लेयर्स हैं इनको हम एक बार इस तरह से फोल लेंगे। तो आप देखिए कैसे ये चिपकी नहीं है, सारी अलग अलग लेयर्स हैं। अब इस पे क्या करना है, इस पे हम हल्का हल्का पानी लगाएंगे, क्योंकि लास्ट का है ना, तो नहीं तो ये फिर खुल जाएगा तो अंदर ऑयल भी चला जाएगा और अच्छा क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। तो ये पानी लगाते जाएंगे, ध्यान से सारी लेयर्स पे पानी लगाना है। आप देख रहे हैं कि लेयर कैसे आराम से निकल रही है, लग रही है। इसी तरह से जब खाजा बन के तैयार होगा तो ऐसे ही अलग अलग लेयर्स वाला रेडी होगा। तो सब लेयर्स पे इसी तरह से हम पानी लगा देंगे। अब हम इसको फिर से इस तरह से रोल कर लेंगे। थोड़ा सा ऐसे प्रेस दे देंगे, हम रोल कर लेंगे कि सारी लेयर्स जो हैं अच्छी तरह से प्रेस हो जाए इस पर। अब हम क्या करेंगे, साइड से जो है थोड़ा सा इसको कट करके बिल्कुल इक्वल बना लेंगे और इसे अब हम जो है आधे आधे इंच के गैप पर कट करते जाएंगे। तो आप देखिए ये हमारे सारे पीसेस कट हो गए हैं। हमने एक पीस लिया, इसको आप देखिए हाथ के इस पोर्शन से हम प्रेस करेंगे, प्रेस हो गया, ठीक है। अब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना, नहीं तो लेयर्स आपस में चिपक जाएंगी। बिल्कुल हल्के हाथ से ये देखिए कितनी परफेक्ट लेयर्स आई हुई हैं, बहुत ही बढ़िया ये खाजा बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह से हम सब पीसेस को कर लेंगे, जो ये लेयर्स वाला पोर्शन है वो हम साइड पर रखेंगे और हाथ अंगूठे के नीचे इस पोर्शन से इस तरह से हम देंगे प्रेशर और फिर हम बिल्कुल हल्के बेलन से इसको बेल के लंबा कर लेंगे।
इसी तरह से हम ये सारी रेडी कर लेते हैं। पांच चपातियों से हमारे ये खाजा तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें साथ साथ तल लेते हैं, टाइम सेव होगा। जब तक, क्योंकि हमें बिल्कुल स्लो पे फ्राई करना है, जब तक फ्राई होगा तब तक हम बाकी के भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो खाजा को तलने के लिए हम कढ़ाई में देसी घी लेंगे। स्वीडिश जो है वो देसी घी में ही अच्छी लगती है, देसी घी ले रही हूँ मैं। आप चाहें तो रिफाइंड भी ले सकते हैं। हम इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। तो ये घी मेल्ट हो रहा है, इसको हम गर्म कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का हल्का गर्म रखना है इसके लिए। हमारा घी गर्म हो गया है। चेकिंग के लिए मैं थोड़ा सा ये डो डालकर देखती हूँ। देखिए पहले नीचे है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो हमें इतना ही गर्म चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हम फ्लेम जो है मीडियम स्लो रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। ये तो उससे क्या होगा, खाजा ऊपर से तो हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा और अंदर से लेयर्स जो हैं वो कच्ची रह जाएंगी। तो देखिए जब हम डाल रहे हैं तो वो पहले नीचे सेट हो रही है, जैसे जैसे पकता जाएगा ये ऊपर आता जाएगा। तो हम जितना कढ़ाई में आराम से आएगा उतने पीसेस डालेंगे। इनको अब हम अच्छी तरह से स्लो मीडियम गैस पर फ्राई होने देंगे। तब तक हम बाकी के अपने खाजा बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो आप देखिए ये धीरे धीरे ऊपर आ गए हैं। हम एक बार हल्का सा इनको टर्न दे देंगे। गैस फिर बता रहे हैं, जैसे बिल्कुल समोसों के लिए, कचौड़ी के लिए, मठरी के लिए रखते हैं, बिल्कुल स्लो गैस वैसे ही रखनी है और धीरे धीरे पकने देना है। आप देखिए जैसे जैसे ये फ्राई हो रहा है, कितनी बढ़िया लेयर्स देखो बन रही है ना। तो बहुत ही बढ़िया लेयर्स आ रही हैं। तो ये हमारा खाजा बहुत ही बढ़िया बन रहा है। हम इसे ऐसे ही हल्के पर धीरे धीरे फ्राई होने देंगे। तो आप देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है और लेयर्स भी सारे ही खाजा के पीसेस पे दिखाई दे रही है। तो हम थोड़ा सा और इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे, तब तक हम हल्के पे ऐसे ही और फ्राई करते हैं। देखिए कितने बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन सारे खाजा को निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, देखिए लेयर्स कितनी बढ़िया बढ़िया लेयर दिख रही हैं। हमारी चाशनी भी थोड़ी ठंडी हो गई थी तो हमने चाशनी को गर्म कर लिया है एक बार। इसको हम अच्छी तरह से पहले घी निकाल लेंगे और फिर हम ये अपनी गरम गरम चाशनी में इसके पीस डाल देंगे। जब तक ये चाशनी में पीस पड़े हैं, चाशनी सोख रहे हैं, तब तक हम, बहुत देर तक नहीं भिगोना, थोड़ी सी देर ही, तब तक हम अपने ऑयल में बाकी के खाजा के पीस डाल देते हैं कि वो फ्राई होना स्टार्ट हों। तो इन्हें चाशनी में भीगे हुए एक से दो मिनट हो गए हैं। अब हम इन सारे खाजा को चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे ये सारे खाजा तलकर और चाशनी में से निकलकर बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए तुलसी जी डालकर हम जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं। हमारा ये खाजा भोग लगकर आ गया है। तो अब आप देखिए कि कितनी बढ़िया लेयर्स बनी हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी लग रहा है। ये देखिए अंदर तक चाशनी भी गई है, पका हुआ भी है और कितनी बढ़िया लेयर्स हैं। बहुत ही बढ़िया खाजा बनकर तैयार हुआ है।